चैनल। तो आज है डे वन रमजान का और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं इफ्तारी अब हम की। इसमें डालेंगे तो यहाँ पर शक्कर। सबसे पहले हम मीठी चटनी बना रहे हैं क्योंकि उसको फिर ठंडा होना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ऑयल डाला, उसमें जीरा डाला, उसमें पानी डाला, हम उसमें इसमें देख शुगर डाला और अब आ रही है रेड चिली पाउडर की, तो वो हम 1 टीस्पून डालेंगे। से मिक्स करेंगे। तो अब हमारी शक्कर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब उसके बाद हम इसमें ये पिसी हुई खटाई डालेंगे। क्वांटिटी आप देख सकते हैं और इसे हम मिक्स करेंगे। और अभी फिलहाल हम यहाँ पर विस्क का यूज करेंगे क्योंकि इसके लम्स बन गए लम्स। अब हम इसे जब तक ही पकाएंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं हो जाती। फ्लेम हम हाई ही रहने देंगे, ये हाई फ्लेम पर ही बनेगा और इसके बाद हम सॉल्ट सबसे लास्ट में डाल। अब हम यहाँ पर एग बॉईल करेंगे क्योंकि हमें एग के बनाने हैं पकौड़े, इसलिए हमें एग बॉईल करने पड़ेंगे और हम लोग हार्ड बॉईल करेंगे एग्स को। यहाँ पर हमारे चने बॉईल हो चुके हैं। ये है मूंग की दाल जो कि छिलके वाली थी। अब हम इसे सोक करके रखा था हमने 5 से 6 आवर्स के लिए। अब हम इसे धो लेंगे ताकि इसके जो ये छिलके हैं वो रिमूव हो जाए। स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसके छिलके सेपरेट करेंगे वरना से ये सिंक ब्लॉक कर देंगे। तो ये दाल हमने धो ली है और ये है इसके सारे छिलके और ये बस इतनी धुलपाई वरना फिर ये दाल निकलती थी, पर अगर थोड़े बहुत छिलके हैं भी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम इसे पीस लेंगे। तो अब हम ये चिकन बनाने वाले हैं फ्राई के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें तंदूरी चिकन मसाला, ये 1.5 टीस्पून है। डालेंगे व्हाइट पेपर पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेसन। ये रेड चिली पाउडर टू टेस्ट जाएगा जैसा भी पसंद हो। अब हम इसमें डाल देंगे व्हाइट सिल्क। अब हम इसमें डाल रहे हैं राइस फ्लावर। यहाँ पर हमारे चने बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पर हम बनाने वाले थे ब्रेड पकौड़े, तो उसके हमने ब्रेड तैयार कर लिए हैं और इसमें हमने आलू की फिलिंग भरी हुई है और हमारी पनीर भी कट कर तैयार हो चुकी है और एग्स भी बॉईल जो थे हमने उसे पील कर लिया है और मूंग की जो दाल थी उसको पीसने के बाद हमने इसमें अनियन, ग्रीन चिलीज और रेड चिली पाउडर डाला हुआ है। अब बस इसमें नमक डालकर मिक्स कर कर बस इसे फ्राई करना है और यहाँ पर बेसन हमने तैयार कर कर रख लिया है, बस इसे फ्राई करना बाकी है। और हमारे चने बॉईल हो चुके हैं, मटर हो रहे हैं और हमने अनियंस कट करके रख लिए हैं जो कि अभी हम इसमें थोड़ी देर में इसे तल लेंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं चटनी जिसमें कि हमने हरी मिर्च ली है, हरी धनिया ली हुई है, कुछ अनियंस हैं और 4 गार्लिक क्लोव्स हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। इसमें डाल दिया नमक। अब हम इसे करने लगे ये क्लोव्स, इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अब बारी आती है एग्स को कट करने की ताकि हम उसके पकौड़े बना सकें। तो ब्रेड पकौड़े हम पहले बना चुके हैं तो अब वही बेसन है उसमें हम इसे कोट करेंगे और फिर इसे डायरेक्ट हम फ्राई कर लेंगे। इसे एक एग्स के हम इसे 2 पार्ट्स करेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे एक एक करके। यहाँ पर हमारे सारे एग्स फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पर हमने ब्रेड पकौड़े बना लिए और जो पनीर कट कर
के रखी थी हमने, फिर उसके भी पकौड़े हमने बना वाली पकौड़े की क्लिप। तो यहाँ पर हमने सारे पकौड़े बना लिए थे और फिर हमारी आती है स्प्रिंग रोल्स। तो स्प्रिंग रोल्स तो पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि स्प्रिंग रोल्स स्प्रिंग रोल बनने पर फ्रीज कर लिए थे। अब बारी आती है हमारे मूंग के पकौड़े की। तो यहाँ पर हमने मूंग के पकौड़ों में खाली हमें नमक डालना था, तो वो हमने मिक्स कर दिया नमक डालकर, और उसके बाद उसमें सारी चीजें पड़ी हुई थी। अब उसके बाद हमने उसकी पकौड़े बना लिए, ऐसे डायरेक्ट तेल में फ्राई कर लेना है, पहले नमक डालकर नहीं रखना होता है। और ये चटनियाँ जो है मीठी वाली और खट्टी वाली हमने दोनों को भर कर रखी है जार्स में। यहाँ पे हमारी सारी